नमस्कार दोस्तों, आज मीडिया में हम जो देख रहे हैं कि कैंसर में एक क्योर मिल गया है, एक ड्रग है, वंडर ड्रग जो बोलते हैं, जो लेने से हमें कीमो की, रेडिएशन की, सर्जरी की किसकी भी ज़रूरत नहीं। एक काफ़ी सारी न्यूज़ मुझे बहुत सारे फ्रेंड ने भी पूछा, बहुत सारे व्हाट्सएप वाले मेरे जो पेशेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे क्वेरी की कि ये क्या है। तो आज मैं इसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। तो बेसिकली ये ड्रग क्या है, ये ड्रग का नाम है दोस्तालिमिमैब। तो बेसिकली ये ड्रग जो है एक PD-1 करके, मतलब प्रोग्राम डेथ जो रहती है अपने सेल्स की, उसका वन जो मॉलिक्यूल है उसको ये अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो कैंसर सेल्स है वो अपने नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से कैंसर सेल नष्ट होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी ड्रग बोल सकते हैं हम इसे। तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है ये डेफिनेटली, बिकॉज 12 पेशेंट जिसमें ये स्टडी हुआ है, जो इसको बड़ी आंत का कैंसर था, और उनको ये ड्रग देने के बाद में 6 से 12 महीने में जो उन्होंने फॉलोअप किया है उसमें किसी को भी कैंसर का कम्प्लीटली क्योर हो गया है और किसी को कैंसर का ऑपित लक्षण नहीं दिखा है, और उन्होंने जो चेकिंग किया उसमें भी कैंसर उन्हें नहीं पाया गया है। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, लेकिन हमें कितना सीरियसली इसे लेना चाहिए इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये किस बीमारी के लिए यूज़ कर किया है। तो ये लो रेक्टल कैंसर जो है इसके लिए, ये जो आंतड़ी का, बड़ी आंतड़ी का कैंसर है, इसके लिए इसको यूज़ किया गया है। और इसके पहले भी इसको यूज़ किया है क्या? डेफिनेटली यस, इसके पहले भी पेनक्रियाटिक कैंसर है, कुछ आंतड़ी के कैंसर है, ओवरी कैंसर है, इसमें इसके ट्रायल, ये सेम ड्रग के ट्रायल हुए हैं, और जो रिजल्ट थे वो अच्छे थे काफ़ी, लेकिन 100% रिजल्ट वाला ट्रायल कोई भी नहीं था। सेकंड बात, ऐसे इसके जो ही कुछ यही सेम ग्रुप के कुछ ड्रग है उसके भी ट्रायल्स हुए हैं, जिसमें इनिशियली रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जिनका जो फॉलोअप हुआ तो 3 साल बाद 4 साल बाद काफ़ी पेशेंट्स को बीमारी वापस भी आया। तो इसके लिए कंप्लीट हमें कैंसर क्योर मिल गया है ये बोलना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, हमें और ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़े समय में ये पेशेंट्स का फॉलोअप कैसा होता है, क्या होता है, इनको किसी को बीमारी आती है क्या नहीं, इसके हिसाब से आगे का ध्यान देना और उसके हिसाब से फिर आगे प्रैक्टिस चेंज करना ज़रूरी है। दूसरा बात है, ये ड्रग जो है इसका कितना कॉस्ट है। तो अगर इंडियन रुपीज़ में बोला जाए तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास खर्चा ये इंजेक्शन का जाता है। ये जो है डिस्टोलीमैब, ये इंजेक्शन है, इसका जो प्रॉपर पूरा कोर्स है उसका ऑलमोस्ट कॉस्ट है 1 CR। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर इंडियन मिडिल क्लास और इवन अपर मिडिल क्लास भी बोलते हैं तो इनके लिए भी 1 CR इमीडिएट दर्द के लिए देना ये कुछ छोटा रकम नहीं है। हमारे इंडियन सिनेरियो में देखेंगे तो मीडियन इनकम जो बोलते हैं, मीडियन इनकम वो ऑलमोस्ट 12 से 15 हज़ार का है लोगों का। तो काफ़ी कॉस्टली ड्रग है, लेकिन मैं दुआ करूँगा कि जैसे जैसे समझ आएगा, जैसे इसका यूज़ बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका प्राइस भी कम होगा और सबके लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। तो कुछ समय हमें और ध्यान देना पड़ेगा, कुछ समय हमें और लेना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको डेली प्रैक्टिस में ला पाए। लेकिन फ़िलहाल जो भी ड्रग्स है इसके लिए काफ़ी सारे ओल्ड ट्रायल्स की ज़रूरत है और ज़्यादा पेशेंट इनरोल करने की ज़रूरत है ताकि हमें सब में रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है ये मालूम पड़े। धन्यवाद।